मुझे हमेशा ये पूछा जाता है कि ऐसा क्या है इन पहाड़ों में जो मैं इनकी ओर खिंचा चला जाता हूं। सच कहूं तो मैं भी इसी का जवाब ढूंढ रहा हूं, और इसी खोज में हर बार मुझे मिलती हैं ढेर सारी कहानियां, कुछ जिनको जान के समझ के मैं अपने लफ्जों में सुनाता हूं, और कुछ जो बिना कुछ कहे खुद को सुनाती हैं। तो स्पिति के सफर को आगे बढ़ाने से पहले मैं जस्ट आपके दो मिनट चाहूंगा, बिकॉज आई वॉन्टेड टू शेयर समथिंग विद यू। हमारी हर ट्रैवल सीरीज और अदर मोस्ट ऑफ आर ट्रैवल सीरीज या एपिसोड सेल्फ स्पॉन्सर्ड होती है, जिसका मतलब ये है कि उससे रिलेटेड सारे खर्चे, चाहे वो ट्रैवल हो, अकोमोडेशन हो, फूड हो, इक्विपमेंट्स हो, सैलरीज हो, वो सब मेरी ही पॉकेट से जाते हैं। और किसी भी बिजनेस के लिए ऑपरेशनल एक्सपेंसेस और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मैनेज करना आसान नहीं होता, तो इसलिए स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे हमें आपकी हेल्प और आपके सपोर्ट की ज़रूरत रहेगी। अगर किसी भी पॉइंट पे आप हमारे काम के साथ, जिस तरह की स्टोरीज़ हम कवर करते हैं उनके साथ कनेक्ट कर पाए हैं, और आपको लगता है कि आप हमें किसी भी तरह से फिनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए इस UPI ID पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सपोर्ट 50 रुपये का हो या 50,000 का, वन टाइम हो या मंथली रिकरिंग हो, अगर आपकी हेल्प रहेगी हमारे साथ, आपका सहयोग रहेगा हमारे साथ, तो हम बिना किसी दबाव के साथ काम कर पाएंगे। बाकी की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएंगी। तो बस अगर आज स्पिति और आने वाले टाइम पे बहुत सारी और डेस्टिनेशंस, बहुत सारी स्टोरीज पे आप हमारे साथ चलने के लिए तैयार हैं, तो चलते हैं। तो यहां एक और नया दिन और हम निकले थोड़ा सा और स्पिति ढूंढने। इस जगह पे ड्राइव्स पे निकलना मानो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आर्ट्स की एक कंबाइंड लाइव क्लास। हर गांव की, हर पहाड़ की और हर मॉनेस्ट्री की एक अपनी कहानी। मुझे लगता है अगर बचपन से इस तरह की एक्सपीरियंशियल एजुकेशन मिले तो ना सिर्फ हम बेटर सीख पाएंगे, बल्कि जो सीखा है उसे बेटर रिटेन भी कर पाएंगे। उस टाइम पे तो मैं सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ता था, लेकिन अब ये एक्सपीरियंसेस मेरे ऊपर ना जाने कितने सारे गहरे मार्क्स छोड़ के जाते हैं। These villages also like Kurik, Sumling, these are sort of resettlements. These were all border villages before 1965. So these villages were near आप सुमदो से ऊपर आपने एक रास्ता जाते हुए देखा कोरिक को। So lot of these villages were there. So but when army took over that area, then civilians were kind of तो इनको यहाँ यहाँ resettle किया। Those villages that side. गाजा से करीब 40 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंचे दी आइकॉनिक की मॉनेस्ट्री। ये वो जगह है जिसकी पिक शायद स्पिति के हर ब्रोशर और हर यूट्यूब थंबनेल पे होगी। बट दिस लेजेंडरी प्लेस इज मच मोर देन जस्ट अ टूरिस्ट अट्रैक्शन। की मॉनेस्ट्री कई सारे रीजंस की वजह से इतनी रेनाउंड है, लेकिन इनमें से सबसे पहला है इसकी लोकेशन। 13,500 फीट की हाइट पे एक रगेड हिल के स्लोप पे बनी इस मॉनेस्ट्री से एक तरफ तो हिमालयन माउंटेन्स के एकदम पैनोरामिक व्यूज दिखते हैं, और दूसरी तरफ ये स्पिति की स्पिरिचुअलिटी और आर्किटेक्चरल मार्वल का एक जीता जागता एग्जाम्पल है। ये तिब्बतन बुद्धिज्म के येलो हैट सेक्ट को फॉलो करती है, एंड इट हैज अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द दलाई लामा, हु हैज विजिटेड दिस प्लेस मल्टीपल टाइम्स। सो इफ यू लुक एट दिस आर्किटेक्चर आल्सो, ये बहुत पिक्यूलियर है एंड दिस इज सॉर्ट ऑफ डाइंग नाउ।
लॉट ऑफ पीपल इमिटेट करते हैं इसको, जैसे कि आप हमारे घर में भी नोटिस करेंगे, वी हैव इमिटेटेड इट, बट दैट्स नॉट द रियल थिंग. द रियल थिंग इज दिस. क्या क्या है, क्या क्या लेयर्स में? दिस इज मोस्टली एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ श्रब, इट ग्रोज इन द वाइल्ड, उसके रूट्स हैं. ओके, नाउ द रीजन फॉर दिस इज बेसिकली इट एक्ट्स एज एन इंसुलेटर एंड इट्स अ एक्सेलेंट वे ऑफ, तब तो उस टाइम पे कुछ टिन नहीं था, कुछ नहीं था, तो इंसुलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है. स्पीति में मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनी कंस्ट्रक्शन यू सी विल हैव आइदर साउथ फेसिंग विंडोज. बेसिकली एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन द विंटर मंथ्स, एंड मड वॉल्स, बिकॉज मड हाउसेज आर वार्मर इन विंटर्स एंड कूलर इन समर्स. सो द सेम लॉजिक, बस दैट्स वाई एवरीथिंग इज विथ. सो दिस इज अ ग्रेट इंसुलेटर एंड ऑल्सो अ ग्रेट वाटर प्रूफ. तो इसमें अभी सिर्फ वो श्रब, श्रब कौन सा, सीबक थॉर्न का है, किसका है? नहीं, ये अलग ही है, कि वाइल्ड में ग्रो होता तो है. इसमें मिट्टी भी है साथ में? मिट्टी बहुत सारी है, मिट्टी इसमें मिट्टी का एक पूरा लेयर है. हाँ. अभी आपको यहाँ साइड से भी दिखेगा, यू कैन सी द लेयर ऑफ वुड कहाँ खत्म हो रहा है, देन देयर इज अ बिग लेयर ऑफ, और वो मिट्टी भी, ये क्ले हम लोग नदी से, दरिया से ही लेते हैं, एंड इट लिटरली बिकम्स लाइक सीमेंट. ओके, इट्स सो स्टिकी एंड it's I don't know what the composition is, yeah, just like a binding this thing. You see these walls also, if you see from here you can make out chaukhats, say. These walls are pretty fat, like, oh, it's very thick. Thick wall, and all mud. It's all mud. And there are a lot of logic why these windows were painted black. Like if you see any traditional Spithian house, typically it will be white in color and black windows. Okay, black windows absorbs the sun, वो भी गर्मी दे वॉन्ट टू कैप्चर इन ब्रिंग इन. सो एवरीथिंग इज अबाउट इंसुलेशन. लाइक नोबडी नोज द एग्जैक्ट डेट की, लाइक यू नो यू कैन नॉट पिन पॉइंट एंड से कि इस दिन इसकी स्थापना हुई थी और समथिंग दैट. But we can trace it back to 800 years. 800 years तक के accounts यहाँ पे हैं. Some people claim it to be even older. But we know now that Tabo further down is the oldest monastery in this entire region. बाकी बोलते हैं कि ये monastery का main first actually वहाँ पे start हुआ in Rangrik village, जहाँ पे Buddha statue है. So Kaza के बाद Rangrik. That's right. तो वहाँ पे बेसिकली स्टार्ट हुआ. बट वहाँ पे क्या हुआ, बिकॉज वहाँ पे गांव पहले से बसा हुआ था, तो मॉन्क्स वर गेटिंग डिस्टर्ब बाय पीपल, सो दे स्टार्टेड मूविंग अवे अक्रॉस द रिवर, ऊपर को हायर. हाँ, ऊपर गए पहाड़ों पे, वहाँ मेडिटेट करने लगे, ऐसे करने लगे. फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम एक स्कूल, मॉनेस्ट्री खोला जाए, कि यहाँ पे बच्चे आएंगे, शांत जगह, एकांत जगह, अलग हटके. सो दे स्टार्टेड डूइंग बिल्डिंग ओवर हियर. सो दैट्स व्हाई यू सी there are layers to this monastery. Haan, it's not exactly aisa nahi hai ki ek level pe aapko dikh jaye. Exactly. Agar iska jo iconic photograph bhi hai, very multiple true. multiple layers. Very true. And if you see those, that photograph also, if you notice, every layer of construction talks of a period. Achha. 200 saal ye chala, okay. 200 saal iske thoda niche gaye, 200 saal aur niche gaye. Oh. Basically what happens is alag alag families ke jaise the concept is the second child of a family becomes, the boy child becomes a monk. Monk, yeah. So, aapka ek family ne ek room bana diya us monk ke rehne ke liye, wahan pe wo meditate karenge, studies karenge. Ab wo jab, when that monk passes on, usi family ka, jaise uska nephew hoga ya uska koi aur grand nephew hoga, jo bhi successor, ya, successor hua uski family se, वो रूम ले लेगा. ठीक है. बट कई बार क्या होता है, एक जनरेशन में एक ही फैमिली से दो लोग आ जाते हैं. सो दैट टाइम यू हैव टू बिल्ड अनदर रूम. सो दैट अनदर रूम. सो दैट्स हाउ द करते करते एक्सपैंड होती चली गई. सो इट्स वेरी वेरी डिफरेंट. सो यू कांट से कि हाँ भाई द मॉनेस्ट्री वॉज मेड इन 1200 एंड समथिंग एंड फ्रॉम हियर टू हियर द कंस्ट्रक्शन स्टॉप. नो, द कंस्ट्रक्शन इज हैपनिंग इवन टुडे एज वी स्पीक. सो इट्स अ वेरी फैसिनेटिंग प्लेस एंड द व्यू ऑफ कोर्स फ्रॉम हियर इज Phenomenal. Seriously. And on both the sides. Is side bhi hum absolutely, chahe, ya fir udhar? Absolutely. It's fabulous. I'm wondering ki winters mein jab ye sab kuch white hota hoga, beach mein ye colorful. Bilkul. And itna beautifully construction hai. Any monastery for that matter is beautifully constructed in a difficult to get to place and on cliff sides and
they look so dramatic anyway, and then when you come here and experience it, see it up close, it's absolutely more. After so many years, I still get speechless. I don't know what to. I can't pinpoint a word to say ki this is how I feel here. की मॉनेस्ट्री के अलग अलग लेवल्स का अलग अलग पर्पस है। मेन मॉनेस्ट्री के साथ साथ यहाँ अंदर एक लाइब्रेरी है, प्रेयर रूम्स हैं, मेडिटेशन केव्स हैं, लामास की अकोमोडेशन है और साथ में ही ट्रैवलर्स के लिए भी रात में रुकने के लिए कमरे हैं। हमें अंदर शूट करने की परमिशन तो नहीं मिल पाई, बट उन्होंने अंदर से हमें दिखाया भी और हर्बल टी भी पिलाई। I know this is the quintessential frame of Key Monastery, but absolutely, I think this is in every Spiti Valley thumbnail and postcards everywhere. But yeah, there's something about it. Yeah. But this, like I was telling you earlier, you know, postcards don't do justice to when you come here in real. See it for yourself. To see it, to feel it. अभी ये जो wind हम feel कर रहे हैं, ये जो sigh. ये जो साउंड्स आ रही हैं बर्ड्स की और ये बच्चे जो पीछे खेल रहे हैं मॉनेस्ट्री में मॉन्क्स जो खेल रहे हैं इट्स फिनोमिनल टू एक्सपीरियंस इट इन ऑल इट्स ग्लोरी एज अपोज्ड टू जस्ट सीइंग इट इन अ पिक्चर और यू नो तो ये जो भी हमें मॉन्क्स दिखे खेलते हुए दे गो टू अ स्कूल या सिर्फ बुद्धिस्ट स्कूल ही है या दे ऑल्सो गो टू अ जैसे प्राइमरी स्कूल्स होते हैं वैसा भी है हाउ इज इट राइट सो द मॉनेस्ट्री essentially the whole idea of monastery it has two basic roles from Buddhism point of view or of course there are architectural marvels most places where you see them but the basic role was to preserve the culture preserve the religion of the area of Buddhism basically and also as education centers so they flourished as education centers and monks would typically get their education here Abhi, the red roof building that we are seeing on our right, yeah. So that is the primary wing. And this is regular school. It has regular... Government schools. Yeah, the common, jo hum log padhte the apne bachpan mein, right? These are regular school, same math, same English, same Hindi, same social studies, everything is the same in here. It's beyond this, they start specializing in religious studies, which is Buddhist studies, basically. In this case. So also the idea being they are not extremely disconnected from the real world. Okay. So if you give them a basic education of normal people, normal mathematics, things like that, so they are equipped for the outside world also. Okay. That is the whole idea behind having primary education as any normal regular kids or students or however you put it. But of course then once they promote go up to higher classes then they have different levels and there's another beautiful concept in the monastery where an older monk is attached with a younger monk a buddy system of sorts exactly like a buddy system and it's beautiful because they inculcate the right habits the right you know the principles the values so it's so beautiful to see that also like and they have such beautiful to say like you know like a guru shishya relationship and it's just phenomenal And it's just great to just see her, watch them play.
स्पिति की ज्यादातर जगहों की तरह की मॉनेस्ट्री भी एक टूरिस्ट प्लेस नहीं है, लेकिन एक ट्रैवलर्स पैराडाइज जरूर है। शायद कई लोगों को लगे कि ज्यादा कुछ देखने को तो था नहीं, बट फॉर अ ट्रैवलर की गोम्पा इज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। ऐसी सब जगहों में बस कुछ भी नहीं करना होता, जस्ट सोक इन द पीस एंड द क्वाइट, हैव अ चैट विद द मंक्स, ऑब्जर्व देयर डेली लाइव्स एंड इफ पॉसिबल हैव अ मील विद देम। शायद सुनने में ज्यादा कुछ ना लगे, बट ट्रस्ट मी इट्स अ लॉट। की के बाद हम निकले अपनी आज रात की डेस्टिनेशन की तरफ। छोटे रास्ते से जाते तो शायद एक घंटा लगता और लंबे से डेढ़ से दो घंटे। अब खुद ही सोच लो कि हमने कौन सा लिया होगा। आफ्टर ऑल द विजुअल स्प्लेंडर ऑफ द स्पिति रोड्स आर सो डिस्ट्रैक्टिंगली ब्यूटीफुल। मैं कभी खिड़की से बाहर देख रहा होता या फिर कार रुकवा के थोड़ी देर बाहर ही खड़ा होता। कभी कोई माउंटेन पीक रोक लेती और कभी बस इसलिए कि किसी रोड का बेंड वॉज टू ड्रामेटिक टू मिस। फोटोग्राफ्स देखिए, वीडियोस देखिए स्पीति का। आप गूगल में भी सर्च करोगे, दिस इज वेयर ये सारे जो स्टैंड्स बने हैं ना, दिस इज लाइंड इन विंटर्स विद फोटोग्राफर्स, ये सामने भी बने हैं। बेसिकली ये गवर्नमेंट अभी फॉरेस्ट वाले ने इसी साल लगाए हैं, लास्ट विंटर आई मीन टू, बिकॉज पीपल आर गोइंग टू क्लोज टू द एजेस। अच्छा, एंड एक दो एक्सीडेंट भी हुए, मतलब लकीली नो नथिंग फेटल, बट बहुत सारा है। बट ये खट जो है यही एक आजकल बहुत फेमस चला हुआ, एक मदर विद टू कप्स दिखती है करके बोलते हैं चीज़, उसका यही टेरिटरी। स्पिति का लैंडस्केप ऐसा है कि यहाँ मैनमेड स्ट्रक्चर्स भी मैग्निफिसेंट लगते हैं। ये लटकता हुआ येलो ब्रिज है एशिया का हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज, और ये कनेक्ट करता है स्पिति के दो हाई ऑल्टीट्यूड विलेजेस किब्बर और चीचम को। कुछ महीनों पहले हमने सिक्किम में सिंगशोर ब्रिज क्रॉस किया था, जो एशिया का सेकेंड हाईएस्ट सस्पेंशन ब्रिज है, बट मुझे ये हाईएस्ट टैग से ज्यादा यहाँ की रिमोटनेस और वास्टनेस फैसिनेटिंग लगी। Just very shortly going to approach a large ground. It's called the Ladarcha grounds. So the famous ancient Ladarcha festival used to happen here. And the reason for having it here is people from Tibet can access it, people from Ladakh can access it, people from Kinnaur and Spiti can access it. So pura crossroads pe. Bilkul. It is right at the crossroads. And it's a beautiful place. You'll see what I'm talking about. We'll hopefully pull over for a short while, you can take a few pictures there. And the mountain range that you're seeing up ahead is all part of the Himalaya, the Great Himalayan Range. So to say, jaise Greater Himalayas, then we have the Middle Himalayas, the Dholadhar Range. Yeah. So those are all a part of this. So as the crow flies, or if you to draw a straight line, unfortunately there's no road, but if you to draw a straight line, so Manali will not be more than like 50-55 kilometers. Oh, that's it. Due west, yeah. So, and China this side will not be too far either if you draw a straight line across the map. But पिन ड्रॉप साइलेंस है यार, एकदम सिर्फ हम लोग हैं एंड द याक्स। ना बात करने का मन कर रहा है, एकदम बोल शेप वैली में है तो हवा भी थोड़ी सी कम है।
आई कांट बिलीव यार, इंडिया में बहुत खूबसूरती है. हम लोगों ने लास्ट ऐसा कुछ सिक्किम में देखा था, युमथांग वैली में. ऑफकोर्स ये उससे काफ़ी छोटा सा मेडोज हैं, बट लुक अराउंड अस, द ग्रेटर हिमालयाज, एकदम खाली वैली, जस्ट अ फ्यू याक्स. ना जगह के पीस को डिस्टर्ब करने का मन कर रहा है, ना इन याक्स को. तो जस्ट दूर से ही वी जस्ट वॉच देम थोड़ी देर. इट्स फ्री, एकदम फ्रीजिंग कोल्ड, बट इट्स वर्थ इट. कहीं भी पहुंचने के ना दो तरीके होते हैं. छोटा रास्ता आपको जल्दी तो पहुंचा देगा, लेकिन लंबे रास्ते खूब देर तक याद रहेंगे. आई नो कि मैं यहाँ से कुछ देर में चला जाऊँगा, एंड ऑल ऑफ दिस वुड सून डिसअपीयर. सो आई ट्राइड टू सेव एवरी मोमेंट, एवरी सेकेंड, टू फील द सोल ऑफ दिस एक्सेप्शनल प्लेस.